नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कुंभकर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, फिर सोता था, फिर एक दिन जागता था। अब यहाँ पे कुंभकर्ण का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो इसी तरीके का है। जी हाँ, मैं मोटो की बात कर रहा हूँ। 1 साल सोती है, फिर जाग जाती है, फिर सोती है, फिर जाग जाती है। हालांकि किस्मत से देखिए, जब इस साल कंपनी जागी है तो कोरोना का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। कंपनी ने इस साल कई धमाकेदार फोन्स लॉन्च किए, जिसमें मोटो एज प्लस जैसा बड़ा शानदार फोन शामिल है। अब कंपनी एक और नया स्मार्टफोन लेके आई है, कम रेंज का 5G स्मार्टफोन कंपनी ने पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फोन लॉन्च हो चुका है और इंडिया यानी BIS सर्टिफिकेशन में सर्टिफाइड भी हो चुका है, जिससे साबित होता है कि फोन डेफिनेटली इंडिया आने वाला है। और आज वीडियो में मैं आपको मोटो जी 5G के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं मोटो का ये नया 5G स्मार्टफोन कैसा है, क्या है इसमें खास, और इंडिया में जब आएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्क्रीन पर आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे और मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। अब हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की बात कर लेता हूं। कंपनी ने इसे 2 शानदार कलर में पेश किया है, वॉल्केनिक ग्रे और फ्रोस्टेड सिल्वर। देखने में फोन बेहद ही शानदार लगता है। हालांकि अगर आप इसका स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल देखेंगे तो आप कहेंगे तो कॉपीड है, ऐसा डिजाइन तो आप देख चुके हैं। माना कॉपीड है, पर ठीक है, एक नए डिजाइन सब कंपनी लेके आ रही है। अब तक आपने सेंटर में राउंड सर्कल देखा था कैमरा मॉड्यूल मोटो का, अब थोड़ा सा कंपनी ने चेंज कर दिया डिजाइन। और अभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर हालांकि आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, जो कि मोटो के लोगो के साथ आता है, वही आपको बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का है, इसमें आपको टाइप सी पोर्ट और 3.5 मॉड्यूल जैक भी मिल जाता है। ओवरऑल डिजाइन देखने में काफी सही है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन दी है कंपनी ने, यहाँ थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया, ग्लास बॉडी होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ अगर हम डिस्प्ले पे गौर करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि HDR10 के सपोर्ट के साथ आता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ आपको बता दूं कि कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन है उसके बारे में कंपनी ने जिक्र नहीं किया, पर डिस्प्ले में आपको पंच होल मिलता है, तो एक फुल व्यू डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिल जाएगा। वहीं फोन के इंटरनल स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मोटो जी 5G में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट। और मैं 5G इतने देर से कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि ये एक 5G स्मार्टफोन है। 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इसमें अड्रीनो 619 GPU आपको मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी ने 2 वेरिएंट्स को पेश किया है, 4GB और 6GB रैम, जिसमें 64GB और 128GB मिल जाएगी। हालांकि अभी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में कौन सा फोन जाएगा। इंडिया में 4GB आएगा, 6GB आएगा, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 5000mAh की बैटरी इस फोन में आपको मिल जाती है, जो कि 20W की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करती है। तो प्रोसेसर तो आप देख सकते हैं कि बहुत दमदार है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम लग रही है। 33W आज मिनिमम हो चुका है एक थोड़े हाई एंड के फ़ोन में, जो मिड रेंज से ऊपर होता है उस रेंज वाले फ़ोन में 30W कॉमन हो चुका है, पर यहाँ पे अभी कंपनी आपको 20W का चार्जर ही मुहैया करवा के दे रही है। कैमरा सेक्शन पे गौर की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि एक टेलीफोटो लेंस की कमी है। 48MP का प्राइम सेंसर है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस होता तो और भी मज़ा आता। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 16MP का फ्रंट शूटर इसमें आपको मिल जाता है। वहीं सॉफ्टवेयर पे ध्यान दें तो एक बार फिर से आपको नियर स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 दिया गया है, जिसके ऊपर आपको मोटो के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो हर बार आप मोटो स्मार्टफोन में देख चुके हैं। मोटो जी 5G के अलावा कंपनी ने मोटो G9 सीरीज में भी एक एडिशन किया है, जो कि है मोटो G9 पावर। जी हाँ, कंपनी ने मोटो G9 पावर नाम का भी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें आपको 6.78 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है। और मोटो जी 5G की तरह यह भी IPS LCD टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट, जिसमें 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। मोटो जी 5G में आपको 5000mAh बैटरी मिलती है, तो इसमें दी गई है 6000mAh बैटरी, और दोनों में 20W का चार्जिंग स्पीड जो है वो कॉमन है। इसके साथ अगर कैमरा सेक्शन पे गौर किया जाए तो 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेट मिलता है आपको। 64MP प्राइमरी है, 2MP मैक्रो है और 2MP डेप्थ है। वहीं फ्रंट में इसमें 16MP का शूटर आपको मिल जाता है और इसमें भी एंड्रॉइड 10 दिया गया है।
अब बात आती है प्राइसिंग और ओपिनियन की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन मार्केट में मोटो जी 9 पावर को लगभग 17,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है, जबकि मोटो जी 5G को लगभग 26,000 रुपये के प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यूरोपियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को ये फ़ोन इंडिया में थोड़ा सस्ता लॉन्च करना चाहिए, तभी इंडियन यूज़र इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर ये फ़ोन 20,000 से 25,000 के प्राइस में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली इंडियन यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन साबित होगा, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में दो ऐसे फ़ोन शामिल हैं जो कि काफ़ी पावरफुल हैं। इनफैक्ट तीन फ़ोन हो चुके हैं, वीवो का V20 है, सैमसंग गैलेक्सी M51 है और OnePlus Nord भी इसी प्राइस ब्रैकेट में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मोटो जी 5G भी 20,000 से 25,000 के प्राइस में लॉन्च कर दिया जाए तो डेफिनेटली इन तीनों फ़ोन को एक टक्कर मिलने वाली है, पर एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होगी उसके बारे में तो भी कुछ नहीं पता। मैं डेफिनेटली मोटो जी 5G के लिए वेट कर रहा हूँ। मोटो जी 9 पावर एक रेगुलर स्मार्टफोन है, लेकिन मोटो जी 5G डेफिनेटली एक दमदार फोन साबित हो सकता है। पर एनीवे आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।